सारी भीड़ चली गई भाई, भीड़ खाली हो गई, सब लोग चले गए। देखो तो भाई देखो किसकी बात कर रहे थे हम, पता लग गया। भैया सुनी नहीं थे, 30 वाली दे दो भैया, 30 रुपए ज्यादा आते नहीं यूट्यूब पे। तो वो सब छोड़ो, कैसा गया मतलब, कैसा बढ़िया हो गया? बढ़िया होना आपका जरूरी हमारी वीडियोस के लिए। तो आज बहुत स्पेशल डे है मेरे साथ, कैमरे के पीछे आप देख सकते हो हमारे बहुत ही फेमस लोग हमारे यूट्यूबर भैया हैं। हम लोग आज कहाँ जा रहे हैं भैया, अच्छा आप बताओ कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं यूट्यूब फैन फेस्ट में, और सेकंड डे है एमबीएस मॉल गुरुग्राम। और हमारे साथ मैंने मैंने लाइने वाइने तो रटवाई नहीं है, ये लाइने कहाँ से रटते हैं? ये आइसक्रीम आ गई। तो भाई आइसक्रीम खाते हैं, आप क्या करोगे, खा के पिघल जाएगी जब तक आपके पास ये वीडियो आएगी। भाई के पैसे देते पैसे ओ मैं तो बटवाला था भूल गई। तो भाई आगे चलते हैं, कैमरा बहुत जल्दी बिकता है पता मार्केट में। ऑनलाइन ऑनलाइन 200D ऑनलाइन 200D दोस्तों, इन भैया का फेस निरहुआ की तरह नहीं लगता, कमेंट जरूर करके बताना। तो आगे चलते हैं, आगे चलते मैं आपको दिखाता हूँ। हमारे साथ आज को एक बहुत बड़ी फेमस पर्सनैलिटी और आने वाले हैं, उनके बारे में बताएंगे आपको, और पीछे जो खड़े होता है फेमस। तो आगे चलते हैं, आपको दिखाता हूँ फटाफट क्या है। चलो आगे, पैसे दे, पैसे दे। अरे यार, तो भाई आपके पैसे लो आप। अरे कट नहीं किया क्या अभी तक यार, कट करो इसे। अरे चैनल को सब्सक्राइब किया नहीं क्या अभी तक? भाई की मोनेटाइजेशन ऑन हो गई है 1 साल से पहले ऑन कर ली, मेरे को लगे 9-10 महीने मोनेटाइजेशन ऑन करने में। तो जाओ यार चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐड को स्किप मत करना प्लीज। भाई ठीक है, और आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं आज बहुत बढ़िया व्लॉग होने वाला है, बहुत सारे क्रिएटर्स आएंगे, बहुत सारी परफॉर्मेंस होगी, वो सब आपको दिखाएंगे फटाफट वीडियो में। मेरा भी स्टेज होता है वो भाई के वजह से रहेगा। और गौरव जोन को निकाल दिया स्टेज शो से दिल्ली के, तुम्हारा भाई आएगा टोपी में। तो भाई देखो किसकी बात कर रहे थे हम, पता लग गया। हेलो भाई कैसे हो? तो थोड़ी देर में बस एम्बियंस मॉल पहुंचने वाला हूं मैं, बस ऑन द वे हूं, और मेरे साथ में हमारे रजत भाई। रजत भाई कैसे हाल चाल? बढ़िया। और हमारे साथ है प्रांजल, और देखो भाई इंडस्ट्री में छोटी मोटी लड़ाइयां चलती रहती हैं, तो मैं मिलवाने वाला हूं आपको। ये बढ़िया था, ये बढ़िया था। तो भाई हमने नकाब हटाइए, नकाब हाथ भी ऐसे लगे मैं तो साउंड पे। सो गाइस वी आर नाउ इन द एंबियंस मॉल, और हम सीढ़ी से फटाफट चढ़ के ऊपर जा रहे हैं, और साथ में हमारे अरुण भाई, सारे भाई फटाफट क्योंकि लेट हो गए। तो हमारे गौरव दोस्त जानती है। भाई अब खुश होना आप, मतलब जो हो रहा है।
नहीं आ पाया यूट्यूब फैन फेस्ट, मेरे को बहुत सीर हो गया है, लेकिन मैं कुछ आपको बता नहीं सकता। अंडे वंडे आपके काम नहीं आएंगे क्योंकि अब मैं नहीं आ पाऊँगा, और मेरी मम्मी की भी तबीयत खराब हो रही है, बाकी तो अब आपको क्या बताऊँ मैं। चलो ठीक है, इसके लिए भाई इतना कर दो बेस पर। सो गाइस हम यहाँ पे आ रखे थे एम्बियंस मॉल में एक फैन फेस्टिवल, जैसे कि आपको पूरा स्टोरी पता ही है।
तो अभी हमने वरुण धवन की स्टोरी देखी तो पता लगा कि वो भी आ रहे हैं यहाँ पे कलंक का प्रमोशन करने, कलंक मूवी का एम्बियंस मॉल में। अभी तो हम जस्ट यहाँ पे खड़े हुए और उनका वेट कर रहे हैं, और अभी हर्ष बेनीवाल की परफॉर्मेंस भी तो वो भी देखनी है हमें। दैट्स व्हाई वी आर स्टैंडिंग हियर, और अब बस अभी वेट करते हैं और दिखाते हैं आपको वरुण धवन को भी, शायद दिख जाए ब्लॉग में, क्योंकि मुझे यार हर्ष बेनीवाल की भी देखनी है, तो दोनों की परफॉर्मेंस सेम टाइम पे है। ओके, तो दैट्स व्हाई और हमें यही कहना है कि आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज ले आए हैं, क्योंकि बस हमने योली कांग्रेचुलेशंस करो, बहुत जल्दी 70 एमएम पे देखने वाले हम। कांग्रेचुलेशंस को भाई जी, किस किसने देखा शॉर्टी का ट्रेलर, कैसा लगा कैसा लगा? थैंक यू सो मच। आप लोग जैसे आप 10 मई को आप मुझे सिनेमा में देखोगे, सुपर। इससे पहले भी लेट यू गो, कुछ फैंस हैं दैट वी लाइंड अप स्पेशली फॉर यू, कैन वी क्विकली हैव द फैंस? Love you too, love you. Hey guys, we are at YouTube Fences. Thank you so much for coming, guys. I love you. So, भाई हर्ष बेनीवाल की परफॉर्मेंस ओवर हो चुकी है, अब सिर्फ लास्ट एंड ओनली द बीस्ट बचा है अपना भुवन भाई, भुवन बाम, बीबी की फाइंस, उनकी परफॉर्मेंस बच्चे, उनके लिए हम वेट कर रहे हैं यार, बस उन्हीं के लिए वेट है और उन्हीं का वेट करते रहेंगे। पूरी भीड़ उन्हीं के लिए लगी हुई है, पूरा कच्चा कच्चा स्टेज हो गया और हमें जगह भी नहीं मिल रही है और हम बाहर की तरफ खड़े हुए हैं, बस वेट कर रहे हैं, और मेरी आवाज़ पता नहीं आ भी रही है कि नहीं, और बस वेट कर रहे हैं। अच्छा तो सीन ऐसा है कि बहुत लोग सुबह से वेट कर रहे हैं और धक्का मुक्की देंगे तो कोई भी नहीं देख पाएगा, तो अभी मैं स्टेज पे आऊंगा और सारे बढ़िया मेरे साथ गाएंगे। ऑल राइट, बाकी तो तुम लोगों को पता ही है। दो सेकंड, एक बार ध्यान से सुन लो, ऐसे मौके बार बार नहीं आते हैं। आप अगर शांति से खड़े होकर सुनोगे सब सुन पाएंगे। अभी क्या हो रहा है, वो वाले धक्का दे रहे हैं, बहुत दिक्कत हो रही है। मैं थोड़े टाइम के लिए हूँ यहाँ पे और मैं चाहता हूँ मैं जितने टाइम के लिए भी यहाँ रहूँ हम सारे साथ में मजे करें। ऑलराइट, अच्छा कितने भी लोगों को पता है कि अभी एक दो हफ्ते पहले मैंने फिल्मफेयर अवार्ड जीता। पेड़ों की छाते से उतरे हैं।
तो गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को एक थम्स अप वाला लाइक दे देना, और जब सब्सक्राइब करो तो बेल आइकन ज़रूर दबा देना, क्योंकि बेल आइकन का फ़ायदा होता है कि तुम्हें जल्द से जल्द नोटिफिकेशन आएगी। और हाँ, अगर मैं आपको अपनी सारी ये बताऊँ कि कैसा मुझे फ़ैन फेस्ट लगा, तो फ़ैन फेस्ट में यार कई सारी प्रॉब्लम्स थी। अब मैं प्रॉब्लम्स डिस्कस करूँगा तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी खिंच जाएगी। बस एक छोटी सी प्रॉब्लम ही बता दूँ कि अगर उन्हें पता था कि फ़ैन फेस्ट दिल्ली में करना है तो उन्हें पहले कोई जियो गार्डन जैसा कोई दिल्ली में बुक कर लेना चाहिए था। उन्होंने एम्बियंस मॉल में करके सबसे बड़ी गलती करी, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राउड आया, और एक तो स्टेज बहुत ज़्यादा छोटा था, जिससे कि क्रिएटर्स को भी प्रॉब्लम हुई और बहुत सारे लोगों को और भी प्रॉब्लम हुई। क्रिएटर्स की मुझे लगता है ये भी यही जो परफॉर्म कर रहे हैं उन्हें भी यही दिक्कत होगी, स्टेज बहुत ज़्यादा छोटा होगा और क्राउड बहुत ज़्यादा था, इसलिए ये प्रॉब्लम थी। और स्पीकर्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, स्पीकर्स अच्छे से काम नहीं कर रहे थे, जो क्रिएटर्स कह रहे थे वो एकदम क्लैरिटी के साथ हम तक नहीं पहुँच पा रहा था, जो कि आप वीडियो में नोटिस कर लिया होगा अभी तक आप लोगों ने। तो बस यही कुछ प्रॉब्लम थी। बाकी जो भुवन बाम की परफॉर्मेंस थी वो सबसे बेस्ट थी, मुझे सबसे मतलब डे टू में गया, डे वन में नहीं गया, मैं डे थ्री में नहीं गया, मैं डे टू में गया भुवन बाम की परफॉर्मेंस देखने, क्योंकि मेरे को वो अपना बेस्ट क्रिएटर लगता है। और लगता तो वैसे फ्लाइंग बीस्ट भी हैं, पर मैं नहीं जा पाया एक कुछ रीज़न से, क्योंकि मेरे को मेरे भी अपने शूट्स भी होते हैं, तो उसमें गया, मेरे को अपना काम करना था।
तो जस्ट यही था मेरा ओवरव्यू. आपको ये वीडियो पसंद आनी चाहिए मुझे लगता है. टिल देन बाय, लव यू ऑल, एंड जो करना है दिल से करो पर मेहनत के साथ करो और कोई गलत काम मत करो. तो बाय. Yeah.